यार नेहा, तेरा स्टूडेंट लोन अप्रूव हो गया? कहाँ यार, अभी भी 90,000 रुपये बचे हैं। हुआ ही नहीं अप्रूव, पता नहीं क्या करूँगी। द सबमिशन इज डे आफ्टर टुमारो, यू नो दैट राइट? तेरा क्या हुआ, तेरे भी तो 50,000 रुपये थे ना। हाँ लेकिन मैंने मैनेज कर लिया इधर उधर से। यू मस्ट हरी नेहा। पता नहीं कैसे होगा यार। मैम, मैम आई नीड सम हेल्प मैम। यस टेल मी। मैम एक्चुअली मैं जयपुर से आया हूँ और मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ मैम, बट मेरा किसी ने किडनैप कर लिया था मैम, मेरे को घर जाने के लिए कुछ हेल्प चाहिए मैम। ओके व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डू यू वांट? मैम आई नीड अराउंड 2K मैम, ताकि मैं घर पहुंच जाऊं। मैं यहां से बस स्टॉप जाऊंगा और घर पहुंचते ही आपके अकाउंट में पैसे भेजा दूंगा। ओह हेलो, ये नए नए स्कैम करने के आइडियाज कहां से लेके आते हो तुम लोग? मैम मैं झूठ नहीं बोल रहा मैम, आई रियली नीड योर हेल्प मैम। मैम बस 2000 चाहिए मैम। देखो तुम अपने मम्मी पापा को फोन कर लो, वो आके ले जाएंगे ना तुम्हें। मैम मैं एक्चुअली फोन नहीं कर सकता मैम, मेरा घर का मैनेजर भी इसमें मिला हुआ है, अगर मैंने फोन किया तो उसको पता चल जाएगा। मैम बस 2000 रुपये चाहिए मैम प्लीज। सॉरी मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहती। मैम प्लीज, मैम मैम प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज यार, जाना यार प्लीज। नेहा व्हाट आर यू डूइंग? ये लो। थैंक यू सो मच मैम। मैम प्लीज आप मेरे को अकाउंट डिटेल्स दे दो, मैं भेजा दूंगा पैसे। इट्स ओके यू कीप इट। नहीं मैम प्लीज आप मेरे को लिख के दे दीजिए मैम प्लीज। ही इज अ स्कैमर नेहा। थैंक यू सो मच मैम। मैम आई विल रिटर्न इट टू यू एज सून एज पॉसिबल मैम। नेहा दिस इज स्टूपिडिटी। अरे यार अगर वो 1% भी सच बोल रहा था तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन वो सच नहीं बोल रहा है ना, वो झूठ बोल रहा है। कोई बात नहीं यार, हो सकता है सच बोल रहा हो। और मैं लाइफ में कई बार बिना किसी कंडीशन के लोगों की हेल्प कर देती हूँ। इट्स ओके एंड समहाउ आई फील कि द यूनिवर्स इट पेज यू बैक। मतलब नॉट दैट आई वॉन्ट यूनिवर्स टू पे बैक बट इट डज। या राइट वट एवर। यार नेहा तुम अपने मेड से मेरे लिए कुछ टाइम ब्रेकफास्ट बनवा लोगी? आई विल पे यू फॉर दैट। यार मैं कर तो देती बट मैंने उसे खुद आने से मना किया हुआ है ना बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक। ओह अच्छा। हाँ मैंने भी अपनी मेड को आने से मना कर दिया, उस बहाने थोड़े से पैसे भी बच गए मेरे। पैसे कैसे बचे? मैंने तो बस आने से मना किया है, सैलरी तो दे रही हूँ मैं उसे पूरी। अच्छा तो तुम अपनी मेड से काम नहीं करवा रही हो और पैसे दे रही हो? हाँ मतलब क्या फर्क पड़ता है यार, दिस इज आवर ओनली सोर्स ऑफ इनकम। नेहा तो पागल है। अरे यार क्या करेगी वो बेचारी बता। चल कोई नहीं मैं तेरा ब्रेकफास्ट बना दूंगी ठीक है? ओके थैंक्स नेहा। हेलो। हाय नेहा क्या कर रही है? यार थोड़ा सा सोने का प्लान कर रही हूँ, थोड़ी सी वीक फील कर रही हूँ। वीक क्या हुआ? यार वो मैं ब्लड डोनेट करने गई थी ना। ब्लड डोनेट? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं मुझे क्या होगा, वो जनरली मैं ब्लड डोनेट करती हूँ एवरी 3-4 मंथ्स। नेहा तू पागल है, तुझे पता है ना इसे वीकनेस होता है। अरे कुछ नहीं होता है, मतलब हाँ डोनेट करने के बाद थोड़ा सा फील होता है बट ब्लड तो फॉर्म हो जाता है 48 आवर्स से लेकर 2-3 हफ्ते में। एंड पता है इंडिया में कितनी स्कैसिटी है ब्लड डोनर्स की, वी ऑल शुड डोनेट ब्लड। अच्छा एनी वे इट्स अप टू यू, यू आर सो मैड। अच्छा तेरा फीस अरेंज हो गया? नहीं यार नहीं हुआ, पता नहीं कैसे होगा। ओहो चल मैं रखती हूँ फोन, आई नीड टू स्लीप। हाँ ओके ठीक है बाय। आ जा नेहा।
पैसे अरेंज हो गए? नहीं यार, मुझे तो लग रहा है मेरा साल ऐसे ही खराब हो जाएगा। अब क्या हुआ यार? मेरे अकाउंट में किसी ने 1,00,000 रुपए डाले हैं। What? 1,00,000? अरे किसने किया होगा? हेलो। हेलो मैम, आपको पैसे मिल गए क्या? हाँ मिल गए, पर आप कौन बोल रहे हैं? मैम मैं वही हूँ जिसकी आपने कल हेल्प की थी। एक्चुअली मेरे डैड ने 1,00,000 रुपए का रिवॉर्ड रखा था मेरे मिसिंग में, तो मैंने आप ही के अकाउंट में भेज दिया। पर सबकी क्या जरूरत थी? I'm glad कि आप घर पहुंच गए सेफ एंड साउंड, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। I don't need this money। मैम उस पार्क में अराउंड 20 लोग थे और किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी, सिर्फ आप ही ने की। और मेरे को पता है कि आपको कितनी ज़रूरत है पैसों की अभी, सो प्लीज़ कीप इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। व्हाट हैपेंड? This is the guy from yesterday, the park. He is the one who sent me 1,00,000 rupees. Wow, that's lovely. See, I told you, universe helps those who help other people unconditionally. I think you're right. I'm so happy for you. Usually when we are helping people, it's with some kind of self-interest or condition. But we feel universe helps those who help others unconditionally. That's it for this story. See you next Friday. Khuda hafiz and stay positive. अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।